कितना भी बड़ा जख्म या घाव हो, अकेलापन महसूस नहीं होता अगर अपना गांव हो। स्वागत है आप सभी लोगों का गंगा न्यूज नेशन में। मैं शुभम तिवारी मौजूद हूं आज पंचायत भवन नानपारा में, जहां नए प्रधानों की शपथ 25 तारीख को दिलाई गई थी और उन्होंने अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। जैसा कि नानपारा की जो तहसील है उसमें 28 गांव से मिलकर एक ग्राम प्रधान बनता है, तो यहां से इस बार नानपारा से लगातार दूसरी बार और जनता ने तीसरी बार पीर गुलाम को प्रधान बना के अपना भरोसा कायम रखा है। तो आइए आज उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका गंगा न्यूज नेशन में। जैसा कि आपको आज तीसरी बार मौका मिला प्रधान बनने का, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो जनता का प्यार और मोहब्बत है। तीसरी बार शपथ दिलाई, बहुत बहुत धन्यवाद जनता का, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे जैसे नाची को जनता ने तीन बार जिता करके भेजा। ये बहुत बड़ी हमारी बदनसीबी की बात है। ये सब प्यार मोहब्बत जनता का, जनता ने अपने प्यार से और मोहब्बत से उनको नवाजा। जैसा कि आपको इस बार दूसरी बार मौका मिला है, लगातार दूसरी बार आप प्रधान बने हैं, तो पिछले 5 साल में आपने कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिस पे जनता का भरोसा आप पे कायम है? जनता के साथ 18 घंटे में जनता के बीच में गुजारे और तमाम से विकास कार्य सरकार की मदद से हो सके वो मैंने स्वास्थ्य केंद्र बनाया, 12 विद्यालय हमारे 12 विद्यालय की कायाकल्प करवाया, बाकी सीसी रोडें बनी, आवासें बनी और राशन कार्ड हमारे पूरे मोदी के अंदर 28 मंजिले हैं, 2800 गाँव में सबको बनना मिल रहा है। ये मेहनत मैंने किया, वो भी जनता के बदौलत मैंने किया। जनता ने हमें इस लायक बनाया, हमारा कोई जनता का एहसान नहीं है, जनता का एहसान ऊपर है। उन्होंने हमको मौका दिया, मैंने काम किया। गांव में जैसे कि स्कूल बने हुए हैं, तो स्कूल में मिड डे मील भी कैसा चल रहा है? गांव की शिक्षा और गांव में टीचर्स का क्या हाल है? हमारे स्कूल में कितने लोग, स्कूल में क्या टीचर्स हर लोग मौजूद रहते हैं? हमारे यहाँ हमारी निगरानी में पूरे ब्लॉक में नंबर 1 की मिड डे मील चल रही है और हमारी निगरानी में हर टीचर हमारे पहुँचने पे टाइम पे सब हमको बच्चे मिले हैं। नानपारा देहात में आपने कहाँ कहाँ कार्य कराए, कुछ नाम आप बता दीजिए, कहाँ क्या कार्य हुए? नानपारा देहात में आरसीसी रोड बनी और 250 आवासें बनी और जो 250 शौचालय बने पूरे गांव में, राशन कार्ड बने, ये मैंने कार्य भी में कराया। इसी तरह भटियापुरवा में कराया, इसी तरह कानून हाथा में कराया, इसी तरह मलकपुरवा में कराया, इसी तरह बनगढ़ी में कमोबेश कराया। हमारे 28 मजरे हैं नानपारा देहात के, कोई गांव ऐसा नहीं जहां मैंने काम नहीं कराया। जैसा कि पिछले लगातार दूसरी बार प्रधान जी को मौका मिला है प्रधान बनने का और पिछले 5 साल में उन्होंने कार्य कराया, तो इस बार 5 साल में आपका क्या रोडमैप है? इस साल जो कार्य अधूरे क्या वो पूरे होंगे और क्या नए काम कराए जाएंगे? इस साल जो भी नए काम जो अधूरे पड़े हुए उसको मैं पूरा करूंगा और अधिक से अधिक जितना मैंने किया उससे बढ़ चढ़ करके इस साल में मेहनत करूंगा और कार्य करवाऊंगा। जनता के मान सम्मान का देखते हुए मैं काम करूंगा। जैसा कि पीर गुलाम जी ने बताया कि जनता का भरोसा उन पर कायम है और तीसरी बार उनको जनता ने प्रधान बनाया है, साथ ही नानपारा के देहात का विकास कराएंगे। कैमरामैन सरफराज के साथ शुभम तिवारी, गंगा न्यूज नेशन।